Good morning, students. Again, welcome back to your science class. In our previous lecture, we studied our skeleton system, rib cage, backbone, and function of the skeleton system. Now we will discuss our next topic, and that is muscles. Muscles move the bones and make movement possible. मसल्स हमारी बोन्स को मूव करने में हेल्प करती है और इसी की वजह से जो भी मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में वो पॉसिबल होता है. दे ऑल्सो हेल्प इन इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस सच एज डाइजेशन. ये हमारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो होती है, जो कि डाइजेशन है, उसमें भी हेल्प करती है. टाइप्स ऑफ मसल्स. मसल्स टू टाइप्स की होती. मसल्स आर थ्री टाइप्स. मसल्स थ्री टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज स्मूथ मसल्स, सेकेंड इज कार्डियक मसल्स, and third is skeleton muscles. So first, smooth muscles. These are present all over the body. ये हमारी पूरी body में present होती है ये muscles. One example of such muscles are the muscles in the digestive system which help in the movement of food through the alimentary canal. एक example है आपके पास, जो हमारी जो digestive system है उसमें जो हमारी alimentary canal होती है वहाँ जो फूड का मूवमेंट होता है वो भी इन्हीं मसल्स के द्वारा होता है. सिंस वी कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ दिस मसल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज इनवॉलेंट्री मसल्स. जैसे कि इन मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, सेकेंड इज कार्डियक मसल्स. दीज मसल्स मेक अप द हार्ट एंड अलाउ इट टू पम्प ब्लड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. ये जो मसल्स है वो हमारे हार्ट को अलाउ करती है ब्लड को पंप करने के लिए, और कॉन्ट्रैक्शन भी इसी के द्वारा होता है और रिलैक्सेशन भी इसी के द्वारा होता है. दीज आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स. ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स ही होती है. जिस तरीके से स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती है, उसी तरह कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट, स्केलेटन मसल्स. स्केलेटल मसल्स. These are the muscles that we think of when we talk about muscles. These are the muscles. ये वो muscles होती है जो हम सोचते हैं और जिसके बारे में बात करते हैं, वो ये muscles होती है. They enable us to lift things, walk or run after a ball. ये ऐसी muscles होती है जो हमारे control में होती है, जिसे हम control कर सकते हैं. Like जब आप ball को lift करते हो या throw करते हो, तो अगर आप सोचोगे कि आपको थ्रो करना है तो ही आपकी मसल्स वहाँ पर काम करेगी, अदरवाइज वहाँ काम वो नहीं करेगी. सो वी चूज व्हेन वी वांट टू यूज़ दिस मसल. तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या चूज़ करें. जो भी हम चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी मसल्स वर्क करती है. सिंस दिस मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल, दे आर नोन एज वॉलेंट्री मसल्स. जैसे कि ये मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है, दैट्स वाई इन्हें वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता. Hey, now next, joint. A joint is the place where two bones meet. Joints वो place होता है जहाँ पर two bones meet यानी मिलती है. Okay, इस place को कहते हैं joint, जहाँ पर two bones आकर मिलती है. Most joints are movable. ज़्यादातर जो joints होते हैं वो movable होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम move कर सकते हैं. There are four kinds of movable joints in our body. हमारी body में four type के movable joints होते हैं. फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. हैव यू सीन हाउ योर आर्म कैन मूव इन अ फुल सर्कल व्हेन यू थ्रो अ क्रिकेट बॉल. क्या आपने देखा है जब आप क्रिकेट बॉल को थ्रो यानी फेंकते हो तो आपका जो हैंड होता है वो पूरा एक सर्कल की तरह मूव करता है. दिस इज बिकॉज ऑफ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन आवर शोल्डर. ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन मैनी डायरेक्शन. इस टाइप के जो जॉइंट होते हैं वो कई डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करते हैं. यानी ये जो जॉइंट होते हैं जहाँ पर, उन जॉइंट्स के वजह से हम किसी भी डायरेक्शन में हमारे उस पार्ट को जहाँ पे ये जॉइंट होते हैं उसे हम मूव कर सकते हैं. द हिप जॉइंट इज अनदर एग्जाम्पल वेयर वी फाइंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. जो हमारा हिप वाला पार्ट होता है वहाँ पर भी ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, जिसके कारण हम उस पार्ट को भी सर्कल की तरह मूव कर सकते हैं. ठीक है, ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट,
Hinge joint, when we bend our arm at the below, at the elbow, we use a hinge joint. जब हम हमारी आर्म को यानी हम हमारे हाथ को कोहनी से, जो हमारी कोहनी होती है, जो एल्बो होते हैं, वहाँ से जब हम उसे बैंड करते हैं यानी मोड़ते हैं, तो वहाँ पर हिंज जॉइंट होता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट ओनली अलाउ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ये जो जॉइंट होता है ये सिर्फ हमें बैक और फोर्थ यानी एक ही डायरेक्शन में हम ये मूवमेंट कर सकते हैं इन जॉइंट के कारण। बॉन्स इन द नी ऑल्सो हैव दिस टाइप ऑफ जॉइंट। जो हमारी नी यानी जो हमारे घुटने होते हैं वहाँ पर भी इसी टाइप का जॉइंट होता है, जिसके कारण हम उसे बैंड कर सकते हैं और एक ही डायरेक्शन में हम इसे मूव कर सकते हैं। इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह ये जो जॉइंट होता है हिंज जॉइंट, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे बॉल जॉइंट अगर सॉकेट जॉइंट हो तो वो एक सर्कल की तरह मूवमेंट होती है इसमें हमारे बॉडी पार्ट की, जहाँ पे ये जॉइंट होते हैं। बट हिंज जॉइंट में ऐसा नहीं होता है। हिंज जॉइंट जो होते हैं वो हमें बैंड करने में और एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। पिवट जॉइंट क्या होता है? When we move our neck sideways, we use the pivot joint। जब हम हमारे नेक को, see in this picture, this is pivot joint जो कि हमारे नेक में होता है। जब हम हमारे नेक को sideways यानी इधर उधर जब हिलाते हैं तो वहाँ पर जो joint work करता है वो होता है pivot joint। This type of joint is found between the first two vertebrae of our backbone। ये जो joint होते हैं वो हमारी vertebrae के फर्स्ट टू यानी शुरू के जो वर्टिब्रा होते हैं वहाँ पर होता है ये। आपने वर्टिब्रा पढ़ा है जो हमारी बैकबोन होती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रा। तो ये वर्टिब्रे में प्रेजेंट होता है, जो हमारी जो फर्स्ट टू वर्टिब्रे होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इट अलाउ अस टू मूव अवर हेड अप एंड डाउन एंड साइडवे। ये हमारे हेड को अप एंड डाउन, ठीक है, जैसे ये हमारा हेड है तो हमारा हेड अप एंड डाउन होता है या साइडवे पे जब होता है तो वो इन्हीं जॉइंट्स के कारण पॉसिबल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट ग्लाइंडिंग जॉइंट क्या होता है? दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड एंकल। ये हमारी रिस्ट और एंकल पर पाए जाते हैं। रिस्ट मीन्स ये जो हमारी कलाई वाला पार्ट होता है यहाँ पर, और जो हमारे एंकल जो एड़ी होती है वहाँ पर होता है ये। इट अलाउ दिस बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर इन अ ग्लाइंडिंग मोशन। ये हमारी बोन्स को ग्लाइंडिंग मोशन में एक दूसरे से स्लाइड करने के लिए अलाउ करता है। जैसे ये हमारी बोन्स है तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है। डेट्स वाई हम हमारी ये रिस्ट को भी ऐसे मूव कर सकते हैं। ओके, नाउ द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी इज इन द ईयर। हमारी बॉडी में जो सबसे स्मॉल बोन होती है वो होती है हमारे ईयर यानी हमारे कान में। इट इज एज स्मॉल एज अ राइस ग्रेन। ये इतनी छोटी होती है जितना कि एक राइस का ग्रेन होता है यानी राइस का दाना होता है, उतनी छोटी होती है। ओके स्टूडेंट, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सो कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।